हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं कैप्टन बादल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही अंडररेटेड एनिमेटेड मूवी बॉम्बे रोज की। बॉम्बे रोज 2019 की एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म है जिसका लेखन, एडिटिंग, डिजाइनिंग और डायरेक्शन किया है गीतांजलि राव ने। मूवी अंडररेटेड जरूर है, मगर सन 2019 में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक्स वीक, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन में प्रदर्शित होकर फिल्म और डायरेक्टर गीतांजलि राव ने ढेर सारी प्रशंसा और प्रसिद्धि बटोरी है। दोस्तों, फिल्म जगत में गीतांजलि राव किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने उन्हें अक्टूबर मूवी में प्रोफेसर विद्या अय्यर के रोल में देखा होगा। उनकी चर्चा ग्लोबल लेवल पर होती है और ऐसा क्यों है, इस मूवी में उनके बारीक कामों को देखकर आप जरूर समझ जाएंगे। इस वीडियो में हम मूवी की उन्हीं बारीकियों के बारे में भी बात करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम स्पॉयलर्स देते हुए मैं आपको डिटेल्स दे पाऊँ ताकि मूवी जब आप देखें तो आपका मजा किरकिरा ना हो। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनके अंदर मैं मूवी डिस्कस करूंगा। फिल्म की कहानी टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल की लव स्टोरी है जो कि मुख्य रूप से तीन मेन लीड्स पे टिकी है। इनमें से एक है कमला, दूसरा है सलीम और तीसरी है शर्ली डिसूजा। कहानी में तीनों का अपना अपना पास्ट है। कमला बाल विवाह से बचकर भागी एक लड़की है जो अपने दादा और छोटी बहन के साथ भागकर मुंबई आ गई थी और दिन में गजरे बेच के और रात में डांस बार में डांस बार में वो काम गुंडे माइक के हाथों मजबूर होके करती है। क्यों करती है यह आप मूवी देख के पता कर सकते हैं। सलीम कश्मीर से भागकर आया एक रिफ्यूजी है। माता पिता एक आतंकवादी हमले में मारे गए होते हैं और वो कश्मीर से मुंबई भागकर आ गया होता है। यहाँ वह गुलदस्ते बेचकर अपना गुजारा करता है। शर्ली डिसूजा एक अधेड़ उम्र की विधवा औरत है जो कि कमला की छोटी बहन की इंग्लिश टीचर है। इन तीनों से कनेक्ट रहते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कैरेक्टर्स को कहानी में शामिल करते हुए। इन तीनों के अलावा कमला की बहन तारा, गुंडा माइक, तारा के दादाजी और शर्ली के दोस्त एंथनी परेरा काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं फिल्म में। कम से कम स्पॉयलर दूंगा सोचा था, मगर इतने में ही काफ़ी स्पॉयलर्स दे डाला हूँ जो कि मुझे डरा रहे हैं कि ये फिल्म में आपका इंटरेस्ट कम न कर दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी मैंने यहाँ बताया है वह कहानी में एकदम से नहीं खुलता, धीरे धीरे कहानी बनती जाती है जो कि उसे इंटरेस्टिंग बनाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एनिमेशन मूवी के डिस्कशन में उसके आर्टवर्क के बारे में बात नहीं की जाए तो यह सरासर बेमानी होगी। मूवी का आर्टवर्क बहुत ही उम्दा है, एकदम नेक्स्ट लेवल। चित्रकारी आजकल के प्रचलित आम इंडियन एनिमेशन शोज और मूवीज की तरह निम्न स्तरीय नहीं है। एक अलग तरह के एनिमेशन जिसे पेंटेड एनिमेशन कहा जाता है के इस्तेमाल से पेंटिंग्स को बनाए गए हैं और फ्रेम बाय फ्रेम बिठाया गया है। इसमें 60 कलाकारों ने 18 महीनों के लगभग का समय लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महीन काम किया होगा कलाकारों ने और गीतांजलि राव ने मूवी के मेकिंग में। कई जगह मुगलकालीन चित्रकला पर आधारित चित्रों की झलकियां भी मूवी में दिख जाती हैं, जिन्हें देखकर एक अलग ही नॉस्टैल्जिया फील होता है। शायद इस नॉस्टैल्जिया को एक आर्ट लवर बेहतर तरीके से समझ पाएगा। फिल्म के बैकग्राउंड में म्यूजिक काफी कम है। कई जगह इसे गानों, डायलॉग और सीन की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के साउंड इफेक्ट जैसे गाड़ी, मोटर, हवा, पानी, बैंड बाजा आदि का प्रयोग करके कवर कर लिया गया है, मगर जहाँ भी म्यूजिक है वह एकदम लाइट म्यूजिक है जो दिल को छू जाता है। गानों की बात करें तो फिल्म में कुल 9 गाने इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें से 2 गाने फिल्म के ओरिजिनल गाने हैं। इनमें से एक है रेवा नैनो में रहे, जिसे साइली खरे ने गाया है। दूसरा कंगना यार दी गली, जिसे आवाज दिया है मुख्तियार अली ने। इसके अलावा 5 गाने बॉलीवुड के पुरानी फिल्मों से लिए गए हैं। इसके साथ ही फिल्म में एक कोंकणी सॉन्ग रेड रोज, जिसे लोरना कॉर्डियरो ने गाया है, और एक मैक्सिकन सॉन्ग जिसे ब्राजीलियन सिंगर द्वारा गाया गया है। बात करें डायलॉग्स की तो डायलॉग्स फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये डायलॉग्स कहानी में एक इमोशनल डेप्थ लेकर आते हैं। समंदर में ऐसा क्या है, क्यों जाते हैं लोग वहां? सपने देखने के लिए? सपने तो कहीं भी देखे जा सकते हैं, फिर समंदर ही क्यों? वहां सपनों की कोई सीमा नहीं होती। मोटा चश्मा लगाकर छोटे सपने भी बड़े हो जाते हैं, है ना? तू बहुत दिनों से समंदर नहीं गई। आप भी तो नहीं गए। मेरे मोटे शीशे में तो बूंद भी समंदर बन जाती है। कभी कभार रो लिया कर, नहीं तो सुना है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। मन के अंदर आंसुओं का सैलाब हो तो समंदर तक कौन जाता है?
आप मूवी देखेंगे तो इन डायलॉग्स के कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही सारे बेहतरीन डायलॉग्स पे काम किया है गीतांजलि राव और असद हुसैन ने। वॉइस पे काम बॉलीवुड और वॉइस ओवर जगत के जाने माने आर्टिस्ट ने किया है। मुझे सभी वॉइस आर्टिस्ट का काम पसंद आया है, मगर कमला को आवाज देने वाली आर्टिस्ट साइली खरे ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। यहाँ अपनी आवाज में उस कैरेक्टर के लिए वो फील नहीं ला पा रही थी मेरे हिसाब से। फिल्म क्रिटिसिज्म के महागुरुओं ने फिल्म को काफ़ी सराहा है। वैरायटी, द गार्जियन, स्क्रीन इंटरनेशनल और अरब न्यूज़ सरीखे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और फिल्म मैगजीन भी फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए हैं। फिल्म को 2019 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया, उसके बाद 2021 में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में। तब तक वेनिस इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक वीक, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन में फिल्म और डायरेक्टर गीतांजलि राव इंटरनेशनली ढेर सारी प्रशंसा और प्रसिद्धि बटोर चुकी। आगे बढ़ते दोस्तों पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। दोस्तों बचपन से ही मुझे एनिमेशन मूवीज और कार्टून्स आकर्षित करते रहे हैं और इनका आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है, मगर सच कहूं तो इंडियन एनिमेशन अभी तक जो मैंने देखा है वह मुझे कभी भी अप टू द मार्क नहीं लगा, मगर बरबस इस मूवी ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और जब मैंने मूवी देखना शुरू किया तो द होल मूवी इज मेस्मराइजिंग टू वॉच साबित हुआ। फिल्म और उसके कैरेक्टर्स काफी जमीनी रहे हैं जो कि व्यूअर्स को कनेक्ट करते हैं। फिल्म में बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बार डांसिंग, इंटरकास्ट रिलेशन आदि जैसी चीजों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समावेश इसे वर्थ टू वॉच बनाता है। साथ ही गीतांजलि जी ने कई जगहों पर चीजों और परिस्थिति को एक स्त्री के नजरिए से दिखाने का प्रयास किया है जो कि काबिले तारीफ है। फिल्म में माइनर चीजों की डिटेलिंग बहुत बड़ा आकर्षण स्थापित करती है। यहीं से मैं बंद गया था मूवी के साथ। फिल्म में कई जगह सीन प्रेजेंट से पास्ट में, मुगल एरा में और ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स की ओर आता जाता है। वो ट्रांजिशन जबरदस्त है। डिज्नी, पिक्सर और जापानी मूवीज ने एक जो हाइप सेट करके रखा है मार्केट में वह ये मूवी तोड़ती है। यह वो मूवी है जो भारत के लिए एनिमेशन फिल्म में एक नया माइलस्टोन सेट कर सकने का मादा रखती है और साथ ही गानों का बैकग्राउंड में बजना सीन्स को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। मैं इस मूवी को 5 में से 4.9 स्टार दूंगा। मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इसकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और जिस सुंदरता के साथ इसे क्राफ्ट किया गया है वो आपको मोह लेगी। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारा साथ आगे भी यूं ही बना रहे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।